दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार यूनिक इन्फॉर्मेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आप 100 साल तक रहोगे जवान, ऐसा एक बहुत ही संजीवनी देने वाला पौधा, उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, इस पौधे का नाम है सदाबहार, जिसे इंग्लिश में पेरीविंकल के नाम से जाना जाता है और कुछ जगहों पर उसे सदापुष्प, सदा सुहागी, सदा फूली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस पौधे के बहुत अच्छे लाभ आयुर्वेद में पाए जाते हैं, मिलते हैं। अगर बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का है, कैंसर का है, बवासीर का है, माइग्रेन का है, एनीमिया का है, पथरी का है, या मोटापा, इस तरह के अगर आपको कोई शिकायत है तो उसके लिए ये रामबाण है। उसी के साथ स्किन का सौंदर्य बढ़ाने के लिए, उसी के साथ अगर बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं उसके लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में इस पौधे का अनन्य साधारण महत्व है और इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, सदाबहार की पत्तियों में बहुत सारे अल्कलॉइड्स यानी क्षार पाए जाते हैं और ये क्षार बहुत ही लाभदायक होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। और उसी के साथ विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन, ये दो क्षार कैंसर को ठीक करने के लिए बहुत ही सहायता देते हैं। इसलिए अगर कैंसर के रोगियों को इसकी पत्तियों की चटनी बनाकर या इसका रस निकाल कर दे तो उसे फायदा होता है, ये रिसर्च में भी साबित हुआ है। अगर किसी को डायबिटीज़ है, शुगर है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। क्या करने का है, इस पौधे के फूल, पत्ते, टहनी आदि का रस पिए या इसकी चटनी बनाकर खाए, या रात को 5 पत्ते 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दे और सुबह खाली पेट शौच के बाद इस पानी को पियेंगे और चटनी भी खाली पेट ही लेंगे तो इससे 10 दिन में शुगर कंट्रोल में होती है। आप इसके फूल खा सकते हैं, पत्तिया का रस निकाल के पी सकते हैं, इससे शुगर पूरी तरह से कंट्रोल होती है। सदाबहार का पौधा उच्च रक्तदाब के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली है। अगर इसकी जो जड़ है वो लेने की है, उसे साफ करने की है और हर दिन सुबह चबा चबा के खाने की है, या जड़ का जो रस पीसने के बाद निकालते हैं वो रस अगर पीते हैं तो बीपी का प्रॉब्लम्स पूरी तरह से क्योर हो जाता है। अगर किसी को मोटापा है तो मोटापे के लिए क्या करने का है, 1 गिलास पानी उबाल के लेने का है, बॉईल करने का है, और 1 गिलास पानी में इस पौधे के जो फूल है वो अच्छी तरह से 4-5 फूल धो के उसमें डालने के हैं और 5 या 6 मिनट बाद उस पानी को पीने का है। फूल निकाल के उस पानी को पीने का है, इससे मोटापा तुरंत कम हो जाता है। अगर पथरी का प्रॉब्लम है, पथरी से आप परेशान हैं, तो इसका जो पत्ते का रस सुबह लेने का है, इससे पथरी पूरी तरह से निकल जाती है। यदि माइग्रेन या माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो माइग्रेन के लिए आप पत्ती का जूस ले सकते हैं, हर सुबह लेने का है 10 दिन तक। ये सभी जो विधि है 10 दिन तक ही करने की है। सौंदर्य बढ़ाने के लिए पिंपल्स है, दाग है, तो उसके लिए ये इस पत्ते का जूस निकालने का है और वो जूस जहाँ पे पिंपल्स है उस जगह पे हल्के हाथों से कॉटन के माध्यम से लगाने के हैं और 15 या 20 मिनट के बाद फेस वॉश करने का है, चेहरा वॉश करने का है, इससे पिंपल्स मिट जाते हैं। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो उसके लिए इस पत्ते का और फूलों का जूस बनाइएगा और वो जूस हल्के हाथों से जो वहाँ पे हेयर है, हेयर के जड़ पर लगाने के हैं, इससे लगाने के बाद वैसे ही उसे रखने का है 1/2 घंटे तक, और उसके बाद बालों को वॉश करने का है। इससे भी बहुत सारा लाभ मिलता है, सफ़ेद बाल पूरी तरह से काले हो जाते हैं, बालों का झड़ना कम हो जाता है। तो बालों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रभावी इसका उपयोग
शुगर के लिए होता है, बीपी के लिए भी होता है, कैंसर के लिए। अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आप 10 दिन तक इसका जूस ले सकते हैं, पूरी तरह से माइग्रेन बैठ जाता है। यदि एमसी पीरियड में कठिनाइयाँ होती है, त्रास होता है, दर्द होता है, तो वो दर्द कम करने के लिए 10 दिन आप क्या करने का है, 1 कप पानी उबाल के लेने का है। उस पानी में 5 ये फूल डालने के हैं और 5 मिनट के बाद ये फूल निकाल के लेने के हैं और वो पानी छान के पीने का है। 10 दिन ऐसा करोगे तो एमसी में जो दिक्कत होती है या कठिनाइयाँ होती है वो पूरी तरह से बैठ जाती है। इस तरह से ये बहुत ही अच्छा पौधा है जो इस समस्या पर काम करता है। उसी के साथ एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी इसमें रहती है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है, वो जवानी में भी बूढ़े दिखते हैं, तो ये समस्या कम करने के लिए रोज़ाना 10 दिन तक फूल और पत्ती का जूस सुबह सुबह लेंगे तो इससे ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। तो इस तरह से आप ये पत्तियों का जूस ले सकते हैं ताकि आपको इससे राहत मिलती है। बीपी कंट्रोल करने के लिए जड़ का इस्तेमाल करने का है और अन्य सभी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए पत्ती और फूलों का इस्तेमाल करना का है। सभी के लिए 10 दिन तक ही इसका इस्तेमाल करना है, ये ध्यान में रखें, ज़्यादा दिन तक ये ना करें। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाइए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिसको ये सभी प्रॉब्लम्स हैं तो ज़रूर इस पौधे के बारे में और इसके बारे में आप उनको इन्फॉर्मेशन दीजिएगा ताकि उनको ये आराम मिले। दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया।